सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। अखबार तो बिल्कुल बेकार है, इसमें शेयर बाजार की कोई खबर ही नहीं। अब तो हम वो गुलाबी वाला अखबार खरीदेंगे। राम राम जो रसिया भैया, आपकी चिट्ठी आई है, पढ़ दूं? अरे तुम तो इतना बड़ा चश्मा लगाए हो, जरा नीचे नजर घुमा के दूंगा। ये क्या है, ये लाल डब्बा क्या है? लेटर बॉक्स है। तो फिर जब लेटर बॉक्स हम लगाए हैं तो चिट्ठी के अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? ठीक है, इसी में डाल देता हूँ। अरे राम प्रकाश भैया चिट्ठी लाए हैं, आज का तो दिन ही बहुत बढ़िया है। ये तो चौरसिया भैया की चिट्ठी है। अरे तो सामने बैठे हैं, दे दो ना। लाओ हमें दो, हम दे देते हैं। हमें तो कोई चिट्ठी लिखता नहीं, वरना हमें तो पढ़वा लेते। अच्छा राम राम, सारा सिस्टम ही खराब है। नॉनसेंस, इस हरकत के लिए तुम्हारा पान कैंसिल। अरे सिस्टम क्या तेल लेने, और हमको ये तुम्हारा नया दुकान पसंद नहीं आया, पुराना ही ठीक था। चतुरलाल की चिट्ठी है। भाभी ने अचार भेजा है क्या, तो सुन के देख रहे हो? अरे नहीं भैया, घर की चिट्ठी की खुशबू ही अलग होती है। अबे घाट जमे, घर का पता नहीं और खुशबू ढूंढने चले हो। ये चिट्ठी यहाँ रख दो, चतुर भैया को पसंद नहीं कोई और उसकी चिट्ठी पढ़े। हाँ, वो अपनी चिट्ठी खुद बड़ा मजा ले लेके पढ़ते हैं। अच्छा हम चलते हैं। साहब, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग, व्हाट? नहीं मतलब हम कह रहे थे कि पढ़ना हम भी जानते हैं। वो क्या आज चश्मा नहीं लेके आए ना, इसी वजह से जरा तो क्या लिखा है इसमें? अरे बोल नहीं रहे। वैसे भी क्या जमाना आ गया है, मुंह पे दाढ़ी और कान में लड़कियों की तरह छिड़ा के बैठे हैं। ए, तुमको समझ नहीं आ रहा है, सीधा चलाओ चुपचाप। जी साहब। वैसे साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, सलीमा देखने जा रहे हैं। गुड गुड, साइड में गाड़ी रोक दो, साइड में रोक दो गाड़ी। जी जी, हम तो यही बोले सलीमा, गुड गुड, साइड में रोक दो गाड़ी। सर 20 रुपीज ओनली। व्हाट सलीमा, इंग्लिश? आई सी बॉम्बे टू गोवा इन ग्राम। आई एम सो सॉरी, दिस मैन इज सो डैम इरिटेटिंग। राइट राइट, सो इरिटेटिंग। गुड गुड सलीमा, गुड पीपल।
तो हम कहें के बाद ये कि इस बिजनेस को बढ़ाना है और हमारी मिसेज जो है आओ आओ चतुर भैया कैसे हो ठीक क्या यार तुम बारिश लेके आते हो जब आते हो हम क्या कर रहे हैं तो भाभी जी मतलब तुम्हारी भाभी जी हमसे ये कह रहे हैं कि कुछ आगे करना है या नहीं या इसी दुकान को चलाते रहना ठीक है कोई और काम सोचे हो क्या अरे हवलदार साहब आप साथ दें तो पान और कानून के साथ में क्या नहीं हो सकता कोई गलत काम है क्या विजिलेंस वाला सब इधर उधर घूम रहा है अरे नहीं भैया हम तो ये सोच रहे थे कि तुम अपने यहाँ हमारी दुकान खुलवा दो है? जेल के बाहर के अंदर अरे बाहर भैया क्या कह रहे हैं जेल के अंदर जाए हमारे दुश्मन हाँ। हम तो यूँ सोच रहे थे कि बाहर से ही अंदर वालों की सप्लाई चालू कर दो दूर की सोचे हो और नहीं तो काम और रही तुम्हारी बात तुम्हारी सप्लाई तो वैसे ही मुफ्त है और थोड़ा बहुत लक्ष्मी का भी प्रबंध कर देंगे अच्छा लक्ष्मी से याद आया आप जरा हमारा हिसाब देख के बताइए तो कितना हो 10 रोज हाँ। रोज के 3 पान 3 रुपए का पान हाँ। 90 दे दो क्या बात कर रहे हैं चलो 20 काटे यारी दोस्ती के 70 तो दे दो चौरसिया बाबू आप हमें हिसाब बता रहे हैं कि पेंच घुमा रहे हैं कितनी बार आपसे कहा है क्या चूना लगाना हो तो लगाइए पनवा को 10 20 आप एक काम करिए आप 30 रुपए और हमको दे दीजिए पूरे 100 हो जाएंगे पागल समझे हो क्या हम का चला और ये चिट्ठी तो लेते जा चिट्ठी क्यों छोड़ रहे हो हमरी है और का सपोर्टर चलाते चलाते भेजा फिर गया तुम्हारा हमारा भेजा नहीं फिरा है चतुरलाल जी आपकी चिट्ठी आई है हमें खबर लगी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो अब जल्दी करो यार रास्ते में हमें भी फेंक देना है और ऐसा फेंकना कि वापस ना आने पाए ससुर नमस्ते चतुर भैया नमस्ते चिट्ठी आई है सावित्री बहन ठीक तो है ना अब भाभी जी अभी तो चिट्ठी आई है अभी पढ़ के बताएंगे क्या है भाभी जी आज आप क्यों खाना लाए अरे हेमा जी भी धर्म जी के लिए ऐसे ही खाना लाती थी तो क्या नाम था फिल्म का अरे भैया इनका दिमाग गया है पटना कहते हैं कि हर बिजनेस वाला गरम खाना खाएगा तो फिर लोग उसकी इज्जत करेंगे अब हमारा ड्यूटी लगा दिया है कि हम इन्हें रोज खाना देंगे दुकान पर कितनी बार बोले हैं दुकान नहीं है ये पान सेंटर है पान सेंटर आप लोग भी खा लीजिए मैं और ले आती हूँ और क्या भाभी जी इसी से हमारा पेट भर जाएगा नैपकिन कहाँ है छुरी काटा सब कहाँ है ये अंग्रेजी भैया जरा हमें छुरी से चावल खाना सिखा दो नॉनसेंस चतुर भैया ये चिट्ठी तो पढ़ो हम भी सुने क्या लिखी है सावित्री बहन जी ने हाँ और आपसे बच्चे क्या कहते हैं बहुत देर होगी उनके बारे में सुने हाँ, हाँ, ए रमेश तो हमारा पान चुराना बंद कर दे हाँ तुमको थाने में बंद करवा देंगे हम ए चतुर भैया इसको समझा लो सावित्री बहन आ रही है जी वो हाँ शायद ये लीजिए दूसरे पंडे पे जरूर जाइएगा अच्छा अच्छा क्या माल है तबीयत खरी हो जाएगी हम चलें आप समय से आ जाना दिखाना चतुर भैया जी शाम को मिलते हैं अच्छा भैया हाँ जी ये क्या कहती है ये कि जो चाहे हो तुमसे शादी नहीं करने वाली है नहीं भैया बताओ ना अरे अब रहने दो इसे तुम चिट्ठी पढ़ो भाई जेब में काहे रखी हाँ चिट्ठी ये कभी नहीं आएगी ये है तो पढ़ो अरे पढ़ो भैया पैसे लोगे क्या मुझे लगता है कुछ खास बात है क्या बात है नहीं नहीं का खास कोनो बात नहीं है पान की जरूरत है ना तो आप बोलो अब पान के बिना तो ताला नहीं खुलता ना है जरा इसमें गुलकंद डालना अब तो चतुरलाल की चतुराई भी पान से नहीं बच सकती हाँ अब बताओ चतुर भैया पान खाओ चिट्ठी पढ़ा चिट्ठी पढ़ रहा हूँ देखिए चिट्ठी में लिखा है कि प्यारे बापू को हमारा प्यार हम ठीक हैं अम्मा ठीक है गैया ठीक है बारिश हुआ है आप ठीक हो हमारा पढ़ाई चल रहा है अच्छा अब हम भी चल रहे हैं बहुत काम पड़ा है हैं हम शाम को बाकी का चिट्ठी पढ़ेंगे अखबार दीजिए हमारा सर चिट्ठी नहीं पढ़ी लो भैया रमेश
10 रुपए दे दो हमको पान के। अरे किस बात के पैसे, वो तो तुम्हीं ने खिलाया था अपने हाथ से। ऐ देखो मुफ्त खोर रमेश, हम तुमको थाने में बंद करवा देंगे। हाँ शाम को आइए, हम थाने ले जाएंगे और पान भी नहीं भेजेंगे वहाँ पे। हाँ मालवीय नगर चलोगे? हाँ मैडम, मालवीय नगर में कहाँ? पहले चलो तो सही, बाद में बताऊंगी। मैडम आप तो थकल से काफी पढ़ी लिखी लगती हैं। हमारी ये चिट्ठी आई है कहाँ से, जरा पढ़ दीजिए। क्यों, तुमको पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं नहीं, हमें पढ़ना आता है। और क्या हुआ, जल्दी निकले ना घर से, अपने पढ़ने का चश्मा घर ही भूल आए। ये जरा जरूरी है, पढ़ दीजिए। अरे अरे यहाँ तो मुड़ना था। अच्छा ठीक है, आगे से मोड़ के ले आएंगे, आप जरा पढ़ दीजिए, जरूरी है। जरूर हमारे बेटे ने लिखी होगी, वो गांव में बहुत पढ़ता है, 5वीं कक्षा में है वो। बहुत बात करते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कुछ चिट्ठी विट्ठी पढ़ने के लिए। बस बस यहीं पे रोक दो, ले लो। अच्छा ये पढ़ दीजिए आप। कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है चिट्ठी विट्ठी पढ़ने के लिए। अबे गाड़ी खराब है, चलना साकेत। अजी साहब हमारी किस्मत ही खराब है, आप बैठो बैठो। भैया गाड़ी बड़ी चकाचक बना रखी है, अपनी है क्या? अरे साहब अपनी नहीं लेकिन अपने की जैसे बना रखी है, वैसे सेठ की है, रोज किराया देना पड़ता है हमें। अच्छा साहब आप तो काफी पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। चिट्ठी आई है गाँव से, जरा पढ़ देंगे? हम खुद ही पढ़ लेते लेकिन क्या है कि हम अपना चश्मा लाना भूल गए हैं तो ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो स्कूटर कैसे चलाते हो भैया? अरे साहब स्कूटर चलाने में क्या देखना, अब सामने या तो भैंस होगी या फिर रोड रोलर होगा। वैसे भी कौन सा हमारे रास्ते में तालाब गड़े हुए हैं जो डूब जाएंगे, छोटे मोटे गड्ढे हैं एडजस्ट कर लेंगे। छोड़ो भैया क्यों बहाने बना रहे हो, सीधा सीधा बोलो पढ़ना नहीं आता। साहब सामने आपके साकेत आ गया, लेफ्ट रोक दे रहे थे, लेफ्ट। और कितने पैसे हो गए? 15 रुपए। 20 ले, 5 दे, चिट्ठी पढ़ दो। अच्छा अच्छा हाँ, मैं इतना टाइम लगा दिया, चलो चलो चलिए पीछे वो से पढ़वा दिए, सॉरी यार। ये देखो लापता, पता नहीं कौन ले गया या खुद भाग गया। भाग गया होगा, घर वाले पीटते होंगे। लगता तो नहीं है, वापस लाने का इनाम सुना है। अच्छा कितना इनाम है भाई? मिलने पर बात करेंगे। देखें तो फोटो इसका, शायद हमारी दुकान पे पान खाने आया हो। जरूर, इतनी बड़ी जानी पहचानी दुकान जो है। ये देखो कमल, ये पकड़ो अपना अखबार, हम कह देते हैं तुमसे हमारी दुकान का मजाक नहीं उड़ाओगे, काहे बत्ती सी दिखा रहे हो। ए सुनो, तुम तो यही। हाँ हाँ मेरी तस्वीर है, चलना है क्या? कहाँ? घर। घर कहाँ है? सामने तो लिखा है, पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं नहीं वो मतलब। वाह अखबार खरीद रखा है लेकिन उसका आज तक पढ़ना नहीं आता। अरे नहीं। हाँ चलो। अरे खरीद लिया हमने अखबार, लेकिन एक बात बता, तेरी फोटो क्यों छपी है अखबार में? पहचाना नहीं मुझे, बच्चों का बच्चा वकील राहुल कपूर हूँ मैं। तो वकील है? हाँ। अरे वाह फिर तो काफी पढ़ा लिखा होगा। हाँ ABCD कर रखे है, अब EFGHI करने जा रहा हूँ। वैसे हमारा बेटा भी काफी पढ़ रहा है गांव में। हाँ। वो भी बड़ा होके बच्चों का वकील ही बनेगा। देख देख उसने हमें चिट्ठी भी लिखी है। ठीक है मेरे पास भेज देना, मैं तो सब सिखा दूंगा। अच्छा एक काम करेगा मेरा, जरा ये चिट्ठी पढ़ तो दे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, सुबह से कोई पढ़ ही नहीं रहा है। खाना? अच्छा तुझे जाना कहाँ है? तुझे? हाँ? मेरे इंसान कब से तू करके बात कर रहा है? जा, मैं नहीं पढ़ता तेरी चिट्ठी। इंसान तू नहीं तो क्या कहूँ तुझे? वकील साहब कहो। वकील? अच्छा ठीक है वकील साहब, अब तो पढ़ दो। पढ़ने से पहले ना कहीं आइसक्रीम वाले के पास रोक देना। आइसक्रीम? हाँ भैया, पैसे पैसे भाई, अरे जिसने खाया है उसी से मांगो। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो बच्चा हूँ,
हमें अपना काम करवाना है ना। अरे अच्छा। तो दे दो पैसे। हाँ, ठीक रहो जो। ये लो भैया 10 रुपए। बैठो। अरे जाओ, जान लोगे क्या? हाँ पढ़ो। हाँ। प्यारे बापू, हाँ। मेरा स्कूल आजकल बंद पड़ा है, कहते हैं कि नदी का पानी बढ़ गया है। अरे माँ कहते हैं कि आप खाना खा लेना। हाँ। मेरी पढ़ाई स्कूल बंद होने से पहले ठीक थी। हाँ, देखा मेरा बेटा कितना पटर पटर लिखता है। हाँ। मुझे दीदी आजकल पढ़ा रही है। हाँ? सब ठीक है। अच्छा अच्छा, बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं लिखा? हाँ, चलो। अच्छा घर छोड़ चुकी है? नहीं घर नहीं, तुम चलो मैं बताऊंगा। हाँ तो वकील साहब, आपके हुए 150 रुपया। अरे पहले भी तो बताया था, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हैं? अगर जेब में पैसा नहीं रखते हो तो ऑटो रिक्शा में काहे घूमते हो? तुम्हारी चिट्ठी पड़ी ना, अभी और भी है, पैसे मांगूंगी तो नहीं पढ़ूंगा। अच्छा बाबा, नहीं मांगते हैं, और भी है, पढ़ो पढ़ो। आपका आपका बेटा राजेश है? कमाल है, बड़े लोगों का बात ही कुछ अजीब है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम वापस कैसे आए? तुम कहाँ थे बेटा? कौन उठा ले गया तुम्हें? हम बड़े परेशान थे बेटा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम वापस कैसे आए? ऑटो से। तुम्हें उन लोगों ने आने दिया? किन लोगों ने? अरे तुझे उठा के ले गए थे। उठा के ले गए थे? हाँ। मैं तो खुद भाग गया था। क्या? जब 5 दिन पहले आपने मुझे डांटा तो मैंने सोच लिया कि मैं भाग जाऊंगा, और जब परसों आप यहाँ पे नहीं थे तो मैं भाग गया। अरे बेवकूफ लड़के, हम यहाँ कितने परेशान थे, तुम्हें यहाँ पुलिस ढूंढ रही है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर अगली बार मुझे इतना मत डांटना, वरना मैं दोबारा भाग जाऊंगा। इस बार मुझे मालूम भी है कैसे। तुम थे कहाँ, कहाँ सोए, तुमने खाना कहाँ खाया, फिर वापस कैसे आए? मैं फिर भाग जाऊंगा। मेरे पास 72 रुपीज थे, पहले मैं स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे 2 दिन सोया, सारे पैसे आइसक्रीम और बर्गर में खत्म हो गए। सुबह उठा, भूख लगी, खाने के लिए पैसे भी नहीं थे तो घर आ गया। पापा कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है, जाओ पहले ना के आओ। मैं कल फिर इश्तिहार छपवाऊंगा, मैं दूंगा कि मेरा बेटा मिल गया है, जो कोई उसे किडनैप करेगा उसे मुंह मांगा इनाम। भाभी हम बोले कि वकील साहब आप हमारी क्या तारीफ कर रहे हैं, हम तो है ही पढ़े लिखे, लेकिन आप तो हमसे भी ऊपर निकल गए। वाह भाई वाह चतुर भैया, आपने तो कमाल कर दिया, हम तो सोचे थे अपनी बस्ती में ही इनका नाम है, ये तो बहुत आगे निकल गए। अरे भाई फायदे बहुत होते हैं पढ़े लिखे होने के, चाल ढाल सब अलग से दिखते हैं। भाई यही वो कह रही थी, आज एक मैडम बैठी थी हमारे ऑटो रिक्शा में, लेकिन हम तो शर्मा गए, नहीं सच बता। अरे भाभी सच बता रहे, हम उनसे बोले कि हम तो शादीशुदा है, दो ही बच्चे हमें छोड़ दीजिए। वैसे भी ये रमेश का काम है। वो वकील साहब तो घर छोड़ा ही नहीं। हाँ और क्या, वो तो नाश्ते पानी के लिए भी कह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हमें तो वापिस आना है अपने दोस्तों के पास। मैडम जरा पानी। देखिए आप लोग तो हमारे अजीज है, अब आप लोगों के लिए हम नए दोस्तों के बीच में थोड़ी ना बैठेंगे। अरे इस वक्त कौन आ गया? ये रामलाल चतुरलाल कहाँ मिलेंगे? जरा रुकिए। चतुर भैया, आपसे दो वर्दी वाले मिलने आए हैं। वकील साहब ने भेजे होंगे। वाह वाह वाह, क्या कमाल कर रहे भाई, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। वाह, अब तो लोग चतुर को ऑटो पूछ कर आ रहे हैं। ये ऑटो DH 3219 तुम्हारी है? नहीं जी, हमारे सेठ की है, हम तो जरा पायलट है उसके। जरा थाने तो चलिए पायलट जी। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त तो मेहमान आए हुए हैं, हमारा ऑटो भी बंद पड़ा हुआ है, आपको दूसरा ऑटो दिला देंगे, चलिए। अरे दोनों चुप, थाने बंद करने ले जा रहे हैं। अरे इतने बड़े हो गए, अरे में तो बड़े बड़े लोग बंद होते हैं भैया, खाती कुत्ते वाले। वाह वाह वाह, तुझे भी बनना है बड़ा आदमी, पैंतरा दिखा रहे हो, तो हाथ कनपटी पड़े सारे सितारे ढीले हो जाएंगे, जमीन से आसमान पे आ जाओगे। अरे कहाँ ले जा रहे हो? हेलो
अरे भाई, ये कभी हमारी पान की दुकान से पान तो चुराए नहीं, ये बच्चा कहाँ चुराएंगे भाई? मुझे तो कोई बिल्कुल फिल्मी सस्पेंस लगता है। अगर मैं चुप, उड़ बक कहीं का। हम इसको जो है पिछले 6 साल से जानते हैं, कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि ये जेल के अंदर गए। अब पहली पहली गलती होगी, माफ करते हो, जानते हैं। हमने वकील साहब को फोन कर दिया है, वो आएंगे तब पूरा मसला सुलझाएंगे। अरे वकील साहब ही तो सारे फसाद की जड़ है। वकील साहब आएंगे तो सुलझाएंगे, ठीक है? चल रहे हमारे साथ, चले तो चौरस। राहुल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट आदमी जेल में बंद है। अब मैंने थोड़ी देखा था कि तुम मेरे को घर छोड़ने चलो। तुम घर से नहीं भागे होते तो ये सब नहीं होता। अपनी गलती को मानना सीखो। अरे चतुर भैया तो बहुत सीधे आदमी हैं, उनको छुड़वाए दे बस, फिर आपका हम एक हफ्ते का सप्लाई मुफ्त कर दे। किसका? अरे पान का भैया, और कहाँ है हमारे पास? और हम आपको नई पिक्चर का टिकट ला देंगे, भाभी जी के साथ पान खाइए और सनीमा देखिए। अरे वकील साहब का है वो? अरे चतुर भैया सही कह रहे थे, है छोटा सा लेकिन गर्मी देखो। वो बेचारा तो बड़ा बेकसूर है, ये मेरा बेटा है राहुल, यही अपने आप घर से भाग गया था और उल्टा वो तो इसे घर छोड़ने आया। अरे फिर तो उसे छोड़ दीजिए ना, वो क्या कहते हैं एक डायलॉग होता है, हाँ ये केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है अब तो। चुप है, ये उसके दोस्त है। अच्छा, उससे मिलने आए हैं, आप आइए, चलिए आइए आइए। अरे वकील साहब, वकील साहब। हाँ बोलिए। सर सर ये वही है। नहीं नहीं आपने आपने वो राहुल ये क्या कर रहे हो? पापा लेसेस बांध रहा था। चप्पलों की लेसेस बांध रहे थे? अरे वकील साहब आप बताइए ना इनको, ये कह रहे हैं कि हमने आपका अपहरण किया है, हमने तो आपको आइसक्रीम खिलाई थी, हमने ऑटो रिक्शा में घुमाया, उसके पैसे भी नहीं लिए हमने आपसे। बच्चों का क्या साथ पाया जा रहा है वकील साहब? ये है। अरे नहीं नहीं ये देखो आप बाहर में दिखाइए लिखा हुआ, ये इसी ने बताया हमको, ये बच्चों का वकील है। देखिए मैं अपने बेटे राहुल के किए पे शर्मिंदा हूँ, उसकी तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ, ये भी बहुत शर्मिंदा है, चलो माफी मांगो। आई एम सॉरी। अरे सॉरी बोल रहा है वकील साहब अपने आप गलती करके? ये आजकल के बच्चे भी बड़े कमाल के हैं। तो फिर ये क्या है? हाँ इसी पे लिखा है कि मैं लापता हूँ बस। राहुल पापा इनका चश्मा टूट गया तो इन्हें पढ़ना नहीं आया। अब तो खोल दो। अच्छा बच्चे काटे पहली बार जा रहे अंदर जो भी। हाँ भाई चौरसिया हमारे पान का क्या हुआ? अरे हवलदार साहब ऐसा है कि ये बहुत थके हुए हैं, इनको हम घर पहुंचा दें आज अभी। हाँ आप हमारे से कल आके हमारे बिजनेस टाइम पे मिलिए ना। चलिए चलो चतुर भैया, आज तो वकील साहब ने दिन बचा लिया। चतुरलाल, ओ चतुरलाल। कौन है? अरे बाप रे तुम दोबारा से? देखो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, मुझे पापा ने भेजा है, कहा कि तुम्हें पढ़ाऊं। अगर तुम उस दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते ना तो आज ये मुसीबत नहीं आती। चुप कर रमेश, सो रहा है, इधर आओ। क्या है बोलो? पापा ने मुझे सलाह दी है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं आता ना, इसलिए तुम फंसे मुसीबत में। मेरी बात सुनो, इस उम्र में मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, मुझे नहीं पढ़ना है। वैसे भी मैंने सबको बता रखा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अब तुम खुद ही सोचो अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो लोग क्या कहेंगे, पढ़ा लिखा दोबारा से पढ़ रहे हैं? ना बाबा ना, तुम जाओ मुझे नहीं पढ़ना है। देखो मैं वापस नहीं जा सकता, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे ना मैं टीवी भी नहीं देख सकता ना खेल सकता। तो मैं क्या करूँ? मान जाओ। ना नहीं ना ना, ना, ना। नहीं ठीक है, मैं तुम्हारा राज अभी खोलता हूँ, सुनो। बैठ जाओ। देखो सोचो जरा, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर वकील बनेगा, क्या कर? उसका कोर्ट में ऑफिस होगा, वहाँ पे और भी लोगों के ऑफिस होते हैं, बाहर नाम लिखा होता है, जब तुम उससे मिलने जाओगे तुम उसका नाम नहीं पढ़ पाओगे, फिर सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी, शर्म नहीं आएगी, फिर शर्म के मारे किसी से पूछ भी नहीं पाओगे, फिर तुम्हें कोई चोर उचक्का समझ के बंद कर लेगा, तो क्या हालत होगी तुम्हारी, है क्या सोचोगे? और तुम्हारा बेटा? अच्छा बेटा ठीक है मैं पढ़ूंगा बाप, तुझी से पढ़ूंगा, चुप कर। वेरी गुड। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए। वो बात तो सुनी होगी आपने कि अगर रास्ता मंजिल तक पहुंचा दे तो वही ठीक रास्ता है, और अगर कोई अपनी मंजिल नहीं देख सकता तो इसमें थोड़ा भाग्य का खेल तो होना ही चाहिए, और भाग्य किस रूप में आ जाए क्या पता, लेकिन जिंदगी में हर चीज भाग्य पर नहीं छोड़नी चाहिए।
साक्षरता ऐसी ही एक चीज है, इसे भाग्य पर निर्भर नहीं रखना चाहिए, उल्टा भाग्य इस पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि साक्षरता ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर सपना सच कर सकते हैं, अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। इस इंसानों की बस्ती में सपने ही तो हैं जो जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे, हम सब